हाय एवरीवन, सो आज के इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ राधा कृष्ण कैनवस वॉल पेंटिंग की, जो मैंने ऑर्डर की थी vibecrafts.com से। सो चलिए जल्दी से इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं एंड देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें इसके अंदर रिसीव होती हैं। तो पैकेजिंग की अगर बात की जाए तो बहुत ही सिक्योरली पैक होके आती है। आपका जो कार्डबोर्ड बॉक्स है उसके ऊपर भी आपको यहाँ पर रैपिंग मिल जाती है, ताकि इस मॉनसून सीज़न में अगर आप इसको ऑर्डर करते हैं तो आपका जो मेन प्रोडक्ट है उसको कोई भी डैमेज ना हो। इस पेंटिंग का जो टोटल कवरेज एरिया है वो है 48 इंच बाय 24 इंच, एंड आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। आप ये पेंटिंग विद फ्रेम एंड विदाउट फ्रेम दोनों तरह से ले सकते हैं, आपके ऊपर है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। अगर आप विद फ्रेम लेना चाहते हैं तो आप उसकी कॉस्टिंग देंगे, अगर आप विदाउट फ्रेम लेना चाह रहे हैं तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। तो वाइप क्राफ्ट ने आपको लिए दोनों ऑप्शन रखे हैं। एंड जो रोल पेंटिंग्स हैं वो भी अच्छी तरह से सिक्योरली पैक होके आती है। तो यहाँ पर आपको एक सिलेंड्रिकल एक कार्डबोर्ड बॉक्स दिख जाएगा जिसके अंदर ये आराम से पैक होके आती है। जो एक है वो वुडन फ्रेम के साथ आएगी जो रेडी टू हैंग होती है, आप उसको डायरेक्टली हैंग कर सकते हैं। एंड एक आएगी नॉर्मल कैनवस पर जो आपको फ्रेम अपने खुद से कराना पड़ेगा। सो वाइप क्राफ्ट्स ने दोनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। और अगर इस वॉल आर्ट की बात करें तो ये हाई क्वालिटी कैनवस पर टेक्सचर्ड मॉडर्न प्रिंटिंग की गई है जो इसको और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाती है। उसी के साथ साथ आपको इसमें मिल जाते हैं वाइब्रेंट कलर्स जो पेंटिंग के लिए यूज़ किए गए हैं, ताकि आपको एक शार्प एंड क्लियर पिक्चर मिल सके। सो मुझे तो ये पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, बहुत ही रॉयल एंड क्लासी लुक दे देती है आपके घर को अगर आप इसको अपने लिविंग रूम में लगाते हैं। एंड इवन बहुत ही अच्छा गिफ्ट ऑप्शन है अगर आप अपने रिलेटिव्स में किसी को गिफ्ट करना चाह रहे हैं, चाहे वो वेडिंग गिफ्ट हो, फेस्टिवल गिफ्ट हो, या किसी की एनिवर्सरी या बर्थडे हो, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी चॉइस है अगर आप गिफ्ट कर सकते हैं तो। एंड बहुत ही ईजी टू क्लीन है क्योंकि इसमें यूज़ की गई है लेमिनेशन टेक्नोलॉजी जो इसको स्लाइटली स्पार्कल टच दे देती है, साथ के साथ मैट एंड टेक्सचर फिनिश भी इसको मिल जाती है। तो इसको क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, जस्ट एक आप वेट क्लोथ ले लीजिए। मैं प्रेफर करूँगी आप माइक्रोफाइबर का कोई साफ़ सुथरा हल्का सा गीला कपड़ा ले लीजिए और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे ये करेंगे तो आपकी जो पेंटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल बनी रहेगी एंड बहुत ही लॉन्ग टर्म तक चलेगी।